नमस्कार, तमाम न्यूज़ चैनल्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ पूरे भारत की जानी मानी हस्ती हैं कैन साहब। कैन साहब, आपका हमारे चैनलों में स्वागत है। थैंक यू कैन साहब। एक बात बताइए, अभी जो अलीपुर रोड पे स्मारक बना हुआ है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, उसके ऊपर बहुत सारी क्रिया प्रतिक्रिया आती रहती है, उसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे बड़ी तो मेरी प्रतिक्रिया है कि जो एंट्रेंस के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर को पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाया है, वो डेरोगेटरी है, इंसल्टिंग है, बाबा साहब को अपमानित किया गया है। नंबर एक, उस जगह को जिस पेड़ के नीचे बैठकर उनको दिखाया गया है, फिर मतलब वो विचार कर रहे हैं, वो विचार नहीं कर रहे, उनको दिखाया है संकल्प लेते हुए। संकल्प हिंदू धर्म में लिया जाता है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तब पंडित संकल्प कराता है, तो ये कोई संकल्प बाबा साहब के लिटरेचर में कभी नहीं आया। तो इस तरीके से दिखाना बाबा साहब के इतिहास लिटरेचर उनके साहित्य के साथ में खिलवाड़ है, और जो हम बाबा साहब के अनुयायी हैं उनकी भावनाओं के साथ में कुठाराघात है। मैं ये चाहता हूँ भारत सरकार इसको डेरोगेटरी स्टैचू को तुरंत से तुरंत जल्दी से जल्दी हटाए वहाँ से। दूसरा एक और आपत्ति है कि स्मारक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का और प्रचार प्रसार नेहरू और नेहरू की कैबिनेट का हो रहा है, और नेहरू ने नंबर वन पे साइन किए जबकि खड़े दिखाए हैं बाबा साहब अम्बेडकर को नेहरू जी के साथ जी। तो दूसरे नंबर पे होने चाहिए, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाबा साहब के सिग्नेचर अगले पेज पर सीरियल नंबर 25 पर है, क्योंकि इसी बीच में डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा की पटल से बाहर चले गए विरोध में कि नेहरू ने नंबर वन पे साइन क्यों किए, जबकि सभापति का ये आदेश था हर मेंबर अपने अपने सीट नंबर अलॉट है सीरियल नंबर पर साइन करेगा। नेहरू ने नंबर वन ईगोइस्ट होने के नाते से नंबर वन पर साइन किए, तब इसमें डॉक्टर अम्बेडकर गुस्से में बाहर चले गए, उन्हें मना कर लाए, लेकिन उसके बाद भी गुस्सा जब नहीं उतरा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दो साइन किए हैं, वो भी दोनों डायगनल, एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में। ये आपको कहीं आज तक इतिहास में या किसी लिटरेचर में किसी मैगजीन में किसी लेख के द्वारा आपको ये बात नहीं पता चली होगी। मैं रिसर्च करके नेशनल आर्काइव से ये रिकॉर्ड निकलवा कर लाया हूँ, इसलिए मेरे पास ये सबूत हैं। मैं कहता हूँ कि इस तरीके का डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में अन्याय तब भी हुआ और आज भी सरकार कर रही है। नंबर तीन, यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर की स्मारक के अंदर एक दीवार के ऊपर डेडिकेट करके पंचतीर्थ नाम का जगह दिखाई है, जो बाबा साहब के जीवन से आधारित पांच स्थल हैं उनको वहाँ दर्शाया गया है, उस जगह का नाम दिया पंचतीर्थ। पंचतीर्थ होते हैं, ये हिंदू धर्म की संस्कृति या उनकी देन है, बाबा साहब के लिटरेचर या बौद्ध धर्म के अंदर इसका नाम की कोई जगह नहीं है, ये बाबा साहब के बौद्ध धर्म में आने के बाद में उनका अपमान है, इन सब चीज़ों को वहाँ से हटाया जाना चाहिए। ये सब चीज़ें आप जाकर देखिएगा खुद। और एक उसके अलावा 22 प्रतिज्ञाएं नहीं लगाई, बुद्धायनी धम्म किताब को नहीं लगाया गया कि इस पर उन्होंने साइन किए प्रोफेसर के ऊपर, वो जगह नहीं बताई गई कि डॉक्टर अम्बेडकर की किस जगह किस कमरे में डेथ हुई। तो ये सब चीज़ें वहाँ इतनी हमारे साथ में कुठाराघात हुआ है, मेरे जैसे व्यक्ति को इन्होंने कभी भी कंसल्ट नहीं किया, क्योंकि नहीं तो इनकी नाक कट जाती। अगर किसी विशेषज्ञ से ये पता कर लेते तो ये सारी की सारी जो इसमें जो गलतियां हुई हैं हिस्टोरिकल और धार्मिक रूप से बाबा साहब के ऊपर कुठाराघात किया गया, ये नहीं होता। अब मैं चाहता हूँ समाज के लोग इस मामले में ज़्यादा दिलचस्पी लें, वहाँ जाएँ, देखें और सरकार से मांग करें समय रहते इसको हटा लें, नहीं तो वरना हम हटा देंगे।